रतलाम के एक गांव में लगातार 7 वर्षों से रामायण की चौपाई का पाठ किया जा रहा है। पाठ के लिए ग्रामीणों ने 130 लोगों की टीम बनाई है, जो 24 घंटे में अलग अलग समय पर अखंड रामायण का पाठ करती है। इस अखंड पाठ के पीछे ग्रामीणों का उद्देश्य है कि गांव में शांति और सामाजिक एकता बनी रहे। देश में भले ही रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हों या फिर लोग रामचरितमानस का तिरस्कार कर रहे हों, लेकिन रतलाम में एक गांव ऐसा भी है जहां लगातार 7 वर्षों से रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, और यह गांव है पचेड़। यहां दिन हो या रात, हर समय आपको रामायण की चौपाइयां सुनने को मिलेगी। गांव के लोगों ने इसके लिए 130 लोगों की टीम बनाई है, जो अलग अलग शिफ्ट में गांव के शिव और हनुमान मंदिर परिसर में अखंड रामायण का पाठ करती है। सभी जातियों और समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल कर इस अनोखे अखंड रामायण पाठ को जारी रखे हुए हैं। युवाओं में जहां धार्मिक और सांस्कृतिक विकास हो रहा है, वहीं यहां के युवाओं को रामचरितमानस की चौपाइयां कंठस्थ याद हैं। अखंड रामायण पाठ करने के उद्देश्य के बारे में ग्रामीण बताते हैं कि इससे उनके गांव में शांति और सामाजिक एकता बनी हुई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।